स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबर बरेली से है। बस रुकवाकर वीर सड़क पर पढ़ी गई है नमाज। नमाज पढ़ने का वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में परिवहन निगम ने ड्राइवर और कंडक्टर को देखिए पद से हटा दिया है। तो मामला जो है सामने आया है और देखिए इसका वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है, जिससे बस को रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज अदा की गई है। और आपको जानकारी दे दें कि वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है यार भैया, ये सही नहीं है। उनने सुलह बात आपकी मारा, उनने पहले हमें बरेली में कह दिया था कि भैया। आपने माना क्यों, आपने माना क्यों एक बार? नहीं, बरेली में कहा कि दो बंदे के लिए रोक, दो सवारी के लिए आप ये मान लोगे? बस रोको, ये मान लोगे? नहीं नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है। यार भाई, उनकी नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं यार। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात। एक बात बताओ मुझे। नहीं नहीं, सारी बात छोड़ो, यहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार? सबसे बड़ी बात ये बताओ, यहाँ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार? बरेली दोपहर को समदा प्रचारक, बताएं क्या हुआ था घटनाक्रम? घटनाक्रम में ये 6:45 पर दो सवारी आई थी। मेरी गाड़ी में सवारी ज्यादा ना होने के कारण उन्होंने दो सवारी बोली थी कि भैया 2 मिनट के लिए गाड़ी कहीं रोक देना कि हम नमाज पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सवारी कम है तो मैंने कहीं रोक देंगे हम। तो इसके बाद हम गाड़ी लेके चले मिलक से आगे, एक धमौरा और मिलक के बीच में कुछ सवारी आई। ये है कि बरेली डिपो की एसी जनरल बस थी जो कि दिल्ली जा रही थी। रास्ते में मेरे पास एक फ़ोन आया, मेरे पास भी आया, हमारे ARM हैं बरेली के होके, उनके पास भी फ़ोन आया कि बस को रोक लिया गया है, मतलब बस को रोका गया है, कोई नमाज पढ़ रहा है। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। आशीष गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ, सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आशीष, ये देखिए मामला जो है सामने आया है, बताया जा रहा है बस को रुकवाकर नमाज यहां पर अदा की जा रही थी। तस्वीरों में देखा, वायरल वीडियो में देखा, और जिस तरह से आपने सुना कि जो रीजनल मैनेजर ने कहा है, बिल्कुल यही घटना हुई है। और जो ड्राइवर था उसका तर्क यह था कि उन सवारियों ने पहले ही उससे तय कर लिया था कि वो रास्ते में रुकवाकर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन बाकी यात्रियों को आपत्ति ये थी कि अगर सुनसान जगह पर बस को रुकवाकर नमाज अदा की जाएगी तो वहां पर कोई अप्रत्याशित घटना भी घट सकती है। लिहाजा उन लोगों का तर्क यह था कि इस तरह का जो है वो पूजा पाठ है वो करना एक अच्छी बात है और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनसान जगह पर बस को रुकवाकर, सरकारी बस को रुकवाकर बाकी यात्रियों को परेशानी हुई, उसमें नमाज पढ़ी गई। लिहाजा इसमें जो प्रशासन है, जो रोडवेज प्रशासन है, उसने संज्ञान लेते हुए इसमें जो संविदा कर्मी परिचालक है उसको बर्खास्त कर दिया है और जो चालक है उसको निलंबित कर दिया गया है। जी आशीष, ये भी जानना चाहूंगी बस में कितने लोग थे? देखिए, जैसे कि बस की क्षमता लगभग 40 से 45 सवारियों की होती है तो लगभग 25 से 30 यात्री उस बस में थे और ये 2 यात्री थे जिन्होंने ये नमाज अदा की है। जी, लेकिन अभी जो देखिए बाइट भी हम सुनवा रहे थे, दर्शकों को दिखा रहे थे, उसमें ये बताया जा रहा है कि बस में जो है यात्री बहुत कम ही सवार थे और यही वजह है कि जब ये 2 लोगों ने कहा कि आप कहीं पर बस रोक दीजिएगा, नमाज पढ़नी है, तो वो ड्राइवर ने बस रोकी है। देखिए, बात यहाँ पर यात्रियों की संख्या का विषय नहीं है विवाद का। यहाँ पर हो सकता है कि यात्री बस में केवल 10 ही हों और केवल 2 लोगों ने नमाज पढ़ी हो, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर एक सरकारी बस को अगर आप सुनसान जगह पर रुकवाते हैं और वहां पर अगर 8 यात्री भी बस में और हैं और वहां पर अगर किसी तरह का कोई राहजनी या कोई अन्य घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और निश्चित तौर पर जो सरकारी बस है उसको रुकवाकर सड़क पर नमाज अदा करने की जो परंपरा है वो इसके पहले कहीं भी पूरे भारत में नहीं देखी गई है। लिहाजा उसी का संज्ञान लेते हुए जो रोडवेज प्रशासन है उसने इन सभी जिम्मेदार चालक और परिचालक को कार्रवाई की। आशीष, ये पहला ऐसा मामला है कि जब बस को सड़क पर रुकवाकर नमाज अदा की गई है। अब बेशक देखिए यहां पर यात्रियों का सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर कोई सड़क पर बस रोकता है तो कोई भी घटना जो है हो सकती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया करूंगी।